सारा प्रणाम, स्वागत है आपका। और अब वक्त है सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक, चेयरमैन एवं मैनेजिंग वर्कर सहारा श्री श्री सुब्रत रॉय सहारा जी के संदेश का, जिसमें उन्होंने अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं को संबोधित किया है। मेरे सम्मानित निवेशकर्ता साथीगण, सर्वप्रथम मैं ये कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना महामारी के इस दूसरे कठिन दौर में आपका जीवन पूर्णतः सुरक्षित रहे और आप सपरिवार स्वस्थ रहे। हमारा और आपका 43 वर्षों का लंबा साथ, आपके साथ हमारे रिश्ते केवल व्यवसाय के ही नहीं बल्कि पारस्परिक विश्वास और भावनाओं के भी हैं। हमने आप निवेशकर्ता साथियों के हितों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम हमेशा चाहते रहे हैं कि आपका देय भुगतान समय पर हो, जैसा कि हम करते भी रहे हैं, और आपको किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन पूरी सदाशयता के बावजूद कभी कभी हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने दिसंबर 2020 में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक हम विजयी होंगे, यानी अपने व्यवसायों को दुरुस्त कर लेंगे, जिससे आप साथियों को पुनर्भुगतान करने की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम मान के चल रहे थे कि कोरोना की पहली लहर का जो प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा और हमारी व्यावसायिक गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ लेंगी। अपने इस अनुमान के आधार पर हमने अपनी सारी व्यावसायिक योजनाएं इस तरह आगे बढ़ाई थी ताकि हम आप साथियों का भुगतान जल्दी से जल्दी कर सके, मगर यह संभव नहीं हुआ। और आज 31 मार्च के बाद मैं दोषी होने के कटघरे में खड़ा हूं। लेकिन मैं पूरी तरह सोच समझ कर कहना चाहता हूं कि मैं और संस्था का प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम दोषी नहीं हैं, हम दोषी नहीं हैं, हमसे कतई कोई गलती नहीं हुई है। आप इस बात को जरूर समझेंगे और मानेंगे जब आप मेरे सभी बातों को सुन लेंगे। दरअसल हम यह अनुमान नहीं लगा सके, हम नहीं दुनिया भर में कोई भी अनुमान नहीं लगा सका कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी भयावह होगी और हमारी सारी योजनाओं को बुरी तरह ध्वस्त कर देगी। दूसरी मार अमेरिका में करीब नवंबर 2020 में शुरू हुई। अगर भयानक कोरोना की यह दूसरी मार नहीं पड़ती तो न केवल अपने व्यावसायिक योजनाओं को हम बहुत आगे बढ़ा चुके होते बल्कि अपने निवेशक साथियों को भुगतान करने की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे होते। यहां यह बताना जरूरी है कि हमारे सारे के सारे 8 व्यावसायिक स्रोत विदेश से जुड़े हुए हैं। हर वो देश जिससे हम व्यवसाय कर रहे हैं कोरोना की चपेट में आ गया। उनके साथ जो सहज व्यावसायिक गतिविधियां आगे बढ़ रही थी वे सब बाधित हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना की मार ने हमें बुरी तरह परेशान कर दिया। अमेरिका एवं कई अन्य देशों में कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर आने पर दीर्घकालिक लॉकडाउन हो गया, सारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई, तमाम प्रगति रुक गई। कुछ अन्य देश जहां से हमारा काम हो रहा है वहां लॉकडाउन तो हट गया, मगर आज वहां से कोई हिंदुस्तान नहीं आना चाह रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना का बहुत बुरा हाल है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत से बनते हुए काम भी छोटे छोटे विघ्न बाधाओं से रुक जा रहा है। ये विघ्न बाधाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुख्यतः
कोरोना के कारण ही पैदा हो रही है। यानी विघ्न बाधाओं का कारण किसी न किसी रूप में कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। पिछले महीनों में हमारे सामने कैसे कैसे परिस्थितियां पैदा हुई, इसकी एक छोटी सी तस्वीर आपके समझ रख रहा हूं। एक मामले में विदेश से रुपया 14,700 करोड़ की राशि सहारा के लिए भारत आ चुकी है, मगर एक बहुत ही छोटे मसले पर मुंबई की एक निचली अदालत में मामला फंस गया है बिना मतलब। मुंबई में कोरोना से लॉकडाउन के चलते निचली अदालत कभी कभी 4 घंटे के लिए खुल रही है, मगर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल जमानत एवं रिमांड के मामलों को ही सुनवाई की जा रही है। अब उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी की गई है, मगर मुंबई उच्च न्यायालय 6 मई से 7 जून तक बंद रहेगा। ग्रीष्मावकाश के कारण 1 महीने तक उच्च न्यायालय नहीं पहुंचा जा सकेगा। 7 जून को जब उच्च न्यायालय खुलेगा तो यह मामला सुनवाई के लिए ले लिया जाएगा और शर्तिया 1 महीने में सुलट जाएगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर यह रकम हम तक पहुंच जानी चाहिए, बशर्ते कोरोना का और खेल ना खेले। एक मामला ये हुआ कि जो व्यक्ति भारत में बहुत अहम जिम्मेदारी में हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो खुद के कोरोना की चपेट में आ गया। जब उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई तो उसे करीब 25 दिन पूर्णतः काम से अलग होना पड़ा, हमारा सारा काम रुक गया। एक और केस में एक खास व्यक्ति को अंतिम जांच के लिए हम तक पहुंचना था, मगर उनकी मां करीब 20 दिन आईसीयू में रही कोरोना बीमारी के साथ और उसके बाद कुछ दिन आईसीयू से बाहर अस्पताल में रही और तब तक वह व्यक्ति कहीं निकला नहीं, हम तक पहुंचा नहीं। खैर ये स्वाभाविक भी था, मगर हमारा काम बुरी तरह बाधित हुआ। इस बीच ऐसा भी हुआ कि बड़ी मात्रा में टेस्टिंग केमिकल हम तक पहुंचना था, बहुत आवश्यक था, मगर अमेरिका और जर्मनी में लॉकडाउन के चलते करीब 1.5 महीने सामान नहीं पहुंचा और सभी काम रुके रहे। इसी तरह करीब 4 महीने से एक खास वेबसाइट स्रोत इजराइल सरकार के साथ फंसा हुआ है, कभी वहां से कोई नहीं आ पा रहा था, कभी यहां से कोई नहीं जा पा रहा था। एक बार तो सब इकट्ठे भी हो गए मगर कुछ जरूरी सामग्रियां फंस गई जो वहां से लॉकडाउन के चलते समय पर नहीं आ पाई और संबंधित व्यक्ति को वापस लौटना पड़ा। इस व्यावसायिक स्रोत से हमें 70,000 करोड़ रुपए पाने हैं और तो और अभी हाल ही में अमेरिका के साथ जो व्यावसायिक सौदा होना था वो रुक गया। 6 अमेरिकन साथियों को भारत आकर इस व्यावसायिक मसले को अंतिम रूप देना था, मगर ये अमेरिकन साथी अब नहीं आएंगे क्योंकि आने के बाद वे लौट नहीं पाएंगे क्योंकि अमेरिका ने 4 मई से भारत से लोगों को आने पर रोक लगा दी है। ऐसे और भी व्यावसायिक स्रोतों पर काम हो रहा है, लेकिन कोरोना के कारण लगातार विघ्न बाधाएं आ रही है। 8 व्यावसायिक स्रोतों पर हम कार्य कर रहे हैं, 8 स्रोतों का संयुक्त टर्नओवर लाखों करोड़ में है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप मेरी बात को जरूर मान लीजिएगा कि ऐसे ही छोटी बड़ी 50 विघ्न बाधाओं ने हमें महीनों से परेशान कर रखा है। सब कुछ समय की बात है, बहुत कुछ होते हुए भी हमारे हाथ में नहीं होता। ग्रह नक्षत्र भी अपना खेल खेलते हैं। इस सब के बावजूद हम अपनी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वर्तमान में
सारी बाधा विघ्न एवं सारी परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यावसायिक कार्यों में प्रगति को देखते हुए मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर आश्वस्त होकर निश्चिंत होकर कह रहा हूं कि स्थितियां सकारात्मक दिशा लेगी और ज्यादा से ज्यादा जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ही अधिक से अधिक विलंबित भुगतान ब्याज के साथ हो जाएंगे। परंतु इस निश्चिंतता के साथ कि कोरोना दुनिया में खासकर अमेरिका, भारतवर्ष और कुछ देशों में फिर से विकराल रूप न धारण करे। आप सभी की शुभकामनाएं एवं उस ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। तो जुलाई अगस्त सितंबर के अंतर्गत 100% विलंबित भुगतान हो सकता है। आप मेरे उस विश्वास को हमेशा याद करेंगे कि हम विलंबित ब्याज सहित शीघ्र ही भुगतान करेंगे। आपने बहुत तकलीफ उठाई है और अभी भी बहुत तकलीफ में है। मार्च तक तकलीफें दूर हो जानी चाहिए थी मगर नहीं हुई। मगर दोष किसी का नहीं है, मुख्यतः कोरोना की अप्रत्याशित परिस्थिति ने हमें परेशान कर रखा है। सारे भुगतान ब्याज के साथ हमें करने ही है, हम कटिबद्ध हैं और इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। मुझसे एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि सहारा सेवी अकाउंट में करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा है, उससे क्या हो रहा है, जबकि सेवी पिछले 8 वर्षों में केवल 107 करोड़ का ही भुगतान कर सका है। यहां यह भी कहना है कि सेबी के द्वारा 4 बार पूरे भारतवर्ष में 150 अखबारों में इश्तेहार देकर लोगों से अपने भुगतान की मांग करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी कर सेबी द्वारा बिना सत्यापन कार्य पूरा किए बिना अंतिम इश्तेहार बिना 26 तीन 2018 के द्वारा निवेशकों को यह अंतिम मौका दिया गया कि जो निवेशक अपना आवेदन दिनांक 2/7/18 तक सेबी को करेंगे उन्हीं का भुगतान सेबी करेगा। आखिर यह भुगतान सारा के द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, अतः यह डबल पेमेंट का मामला है। मैं दोहरा के कहना चाहता हूं यह डबल पेमेंट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24,000 करोड़ की यह रकम सारा में ही वापस आनी है और हम ये मानते हैं कि कुछ शेष राशि और जमा करने की जरूरत नहीं है। कारण जब आवेदन प्रोसेस ही नहीं होंगे तो फिर पैसे की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 14 महीनों से हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख ही नहीं मिली, जबकि हमारे काफी सारे एप्लीकेशन फंड डिमांड के साथ लंबित है। यहां भी तारीख न मिलने का मुख्य कारण कोरोना ही है। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि संस्था के पास देनदारियों के सापेक्ष 3 गुना संपत्तियां हैं और आम तौर पर यह भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो इन्हें बेचकर रुपया क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारी संपत्तियां बड़े आकार की है, जिसकी वजह से इसका सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा है, खासकर कोरोना के वित्तीय परिस्थिति के वजह से। और यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 या 1/3 दाम में खरीदना चाह रहे हैं। व्यवसाय कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां है उसे डेवलप करके टुकड़े टुकड़े में बेचा जाए तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है। और रियल एस्टेट
में यानी कि जमीनों में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस जमीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लॉटिंग अथवा कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग व्यक्ति को बेचा जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमी वैली में करीब 10,000 एकड़ जमीन है, यदि इसे डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो उसे जमीन के दाम के सापेक्ष सिर्फ मुनाफा ही 4 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहां ये भी बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे तो निकट भविष्य में अपनी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा। मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि अगर हम सस्ते में बेच दिए तो हमारी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा। साथ ही बेचने से कोई फायदा भी संबंधित निवेशकर्ताओं को नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को सहारा सेवी अकाउंट में जमा करना होगा और इस प्रकार संबंधित निवेशकर्ताओं को 1 रुपये तक का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपका मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सहारा के किसी भी फील्ड प्रबंधक को दे दें और वो कार्यकर्ता आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध अवश्य करना चाह रहा हूं कि इस दौर में कतई लापरवाही ना बरते। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक और मारक है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हवा के जरिए भी संक्रमण फैल रहा है। ऐसी सूरत में सुरक्षा संबंधी हर उपाय अपनाने और पूरी सावधानी बरतने की जरूरी है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सबको स्पष्ट और सख्त सलाह दे रहा हूं कि थोड़े से भी लक्षण प्रकट होने पर टेस्ट कराने में विलंब न करें। जांच के बाद अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह कीजिए और स्कैन कराइए, इससे फेफड़ों में असर का पता चल जाएगा। साथ ही खून की जांच जरूर कराइए जिसमें करीब 7 जांच होते हैं। उन जांच से पता चलेगा कि खून पतला करने की दवा देनी है कि नहीं, और देनी है तो कितनी मात्रा में देनी है। साथ ही ये भी पता चलता है कि स्टेरॉइड देना है कि नहीं, और देना है तो कितना देना है। ऐसे तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन वगैरह की कमी से मर रहे हैं, मगर उससे कहीं ज्यादा लोग समय से स्कैन और खून की जांच नहीं हो पाने के कारण मर रहे हैं। यानी उन्हें समय से खून पतला करने की दवा ये स्टेरॉइड नहीं मिल पा रहे हैं। इस समय सबको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और मेरे तरह बताए गए उपाय पर कड़ाई से अमल करने की जरूरत है। अगर आपका डॉक्टर नहीं समझता है या नहीं सुनता है तो उस पर सख्ती से दबाव डालें और जांच अवश्य करवाएं ताकि उनके हिसाब से उचित इलाज तय हो सके। मैं ऊपर वाले से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सभी साथी करते कोरोना के मार से बचे रहे और सकुशल बने रहे। हाँ, अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका धरोहर सुरक्षित है, पूर्णतया सुरक्षित है, और आप अपना प्यार एवं विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखें। हम शीघ्र ही इन स्थितियों से उबर जाएंगे। दिनांक 31 मार्च के बाद आप सभी तक पहुंचने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूं। इसका कारण यह था कि मैं स्वयं बुरी तरह से कोरोना से ग्रसित हो गया था। मुझे ये भी समाचार मिला है कि हमारे कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित निवेशकर्ताओं के परिजन भी
इस महामारी के कारण आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एवं छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। सहारा प्रणाम।